बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस पीरियड। फर्स्ट से दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज। सो बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी योर बुक पेज नंबर 5। ऑन पेज नंबर 5 द टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शंस। नाउ यू कैन सी अ पिक्चर। इन पिक्चर अ लेग इज देयर and foot is stepping on a pin। जब हमारा पाँव किसी पिन पर पड़ता है, किसी pointed चीज़ पर पड़ता है, तो क्या होता है? हमारा पाँव खुद ब खुद फ़ौरन पीछे हट जाता है। क्या हम सोचते हैं कि अपना पाँव हटाएं? नहीं ना, ऑटोमेटिकली अगर हमारा पाँव किसी pointed चीज़ पर पड़ता है तो हमारा पाँव पीछे हो जाता है। ऐसे actions जो कि खुद ब खुद हो जाते हैं, automatic हो जाते हैं, जिनके लिए हम सोचते नहीं हैं, वो एक्शंस कहलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस, जो ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ से कंट्रोल होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इस पिक्चर में लेग है, लेग के बाद फुट है, फुट पड़ा किसके ऊपर? पॉइंटेड चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर जो सेंसरी नर्व हैं फुट में, जो सेंसरी नर्व हैं, उन सेंसरी नर्व ने फौरन मैसेज भेजा कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर नर्व के थ्रू मैसेज भेजा मसल्स को कि वो मूव करें और पाँव पीछे हट जाता है। ये कितना बड़ा मैकेनिज्म हो रहा है कि एक फुट एक पॉइंटेड चीज़ पर पड़ा, वहाँ के सेंसरी नर्व्स गए, उन्होंने मैसेज सेंड किया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज सेंड किया वहाँ की लेग को कि वो पाँव पीछे हटा लें, और ये सारा किस में हो जाता है बेटा? कितनी देर लगती है इसमें? विद इन अ सेकेंड, एक्चुअली लेस देन अ सेकेंड, है ना, एकदम ये काम हो जाता है विद इन नो टाइम। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम हमारे अंदर किया हुआ है। तो ये एक्शंस क्या हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, और ये किसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। नाउ बेटा, हियर इज़ अ क्वेश्चन, डिस्कस एन आंसर। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस? एक तो ये हमने बता दिया कि भाई पाँव जो है वो किसी पॉइंटेड चीज़ पर पड़ा तो हमारा पाँव फ़ौरन पीछे हट गया। और भी आप सोचें एग्जाम्पल्स ऐसी, और फिर उसकी वीडियो बनाकर हमें भेजें कि ऐसे क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं विच आर रिफ्लेक्स एक्शंस, जो जिसमें हम सोचते नहीं हैं, ठीक है। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 4। अ कॉन्सेप्ट चेक इज़ गिवन। Use the correct word to complete these sentences. There are 2 sentences are there. Actually, these are the fill in the blanks. You have to fill these fill in the blanks in the book. Similarly, on page number 5, there is a concept check. Fill in the blanks to complete these sentences. There are some blanks and some words are there. So, you have to fill these blanks with the help of these words. Okay? So, you have to do this as well in your book. Now, we move on page number 6. On page number 6, we have the heading sense organs. Sense organs हमें पता है ना कौन कौन से होते हैं? जी, आई होती है, नोज होती है, स्किन होती है, और हमारे ears होते हैं, टंग होती है, ठीक है। ये सारे sense organs हैं, हम इनके बारे में one by one पढ़ेंगे। The sense organs connect you to the outside world. The eye. आई क्या होती है बेटा? आई सेट होता है सॉकेट्स का, जो कि स्कल में है। स्कल के अंदर हमारे 2 सॉकेट्स बने हुए होते हैं ना, वो समझो वो आईज होती हैं, और वो प्रोटेक्ट होती हैं हमारी बोन्स में जो स्कल में होती हैं, और आईलेट्स जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, आईलेट्स जो आईज के हमारा ऊपर जो लिड होता है, ठीक है। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज द आयरिस। आयरिस क्या है? हमारी आई के अंदर जो कलर्ड पार्ट है वो क्या कहलाता है? आयरिस, ठीक है। द प्यूपिल इज़ अ होल इन द सेंटर ऑफ द आयरिस विच अलाउस लाइट टू एंटर द आई। इस आयरिस के अंदर एक होल नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड प्यूपिल। और वो प्यूपिल क्या काम करता है? वो लाइट को अलाउ करता है कि कितनी लाइट हमारी आई के अंदर एंटर हो सकती है। आपने देखा होगा ना कि जब कभी हम कहीं किसी तेज़ लाइट में जाते हैं, या एकदम हम गाड़ी में जा रहे हैं और सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो हमारी आंखें कैसी हो जाती हैं? हम एकदम आंखों के ऊपर हाथ रख लेते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो वो कौन उनको कंट्रोल कर रहा होता है? ये प्यूपिल।
प्यूपिल अलाउ करता है कि कितनी लाइट जो है वो अंदर आएगी और कितनी लाइट नहीं आएगी। नाउ द फ्लैट पार्ट, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है आई का बेटा, ये क्या कहलाता है? कॉर्निया। ये कवर कर रहा होता है आयरिस को भी और प्यूपिल को भी। अच्छा, ये आई की सेक्शन डायग्राम दी हुई है बेटे आपको। इस आई में सबसे आगे हमें क्या नज़र आ रहा है? ये कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद ये प्यूपिल है। प्यूपिल के बाद ये जो दिया हुआ है ये आयरिस है जो साइड में है। ये जो नर्व है ये रेटिना है। ये ऑप्टिक नर्व्स हैं और ये लेंस है हमारा। आई में हमारी लेंस होता है, पता है आपको? लेंस का क्या काम होता है? लेंस फोकस करता है कोई भी पिक्चर को जो हमारी आँख के ऊपर पड़ रही है। लेंस का काम यही होता है ना, फोकस करना। तो अल्लाह ताला ने हमारी आई के अंदर एक नेचुरल लेंस दिया हुआ है जो किसी भी पिक्चर को फोकस करता है। और वो पिक्चर को फोकस कहाँ कर रहा होता है? एक स्क्रीन पर, विच इज़ कॉल्ड रेटिना। रेटिना क्या है? ये स्क्रीन है जिस पर कि हमारी पिक्चर फोकस हो रही होती है। और ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम होता है? ऑप्टिक नर्व कैरीज करते हैं मैसेज टू द ब्रेन। यानी कि हम जो भी कुछ हमारी आँख देखती है वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू फौरन ब्रेन में जाता है। ब्रेन बताता है आई को कि हम क्या देख रहे हैं। ऑलराइट, नाउ वी कम टू द सेकंड सेंस ऑर्गन, दैट इज द नोज। स्मेल्स क्या है? स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर। दीज डिजॉल्व ऑन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रल्स। जो नोस्ट्रल्स होते हैं हमारी, जो नोज के आगे ये दो होल्स होते हैं, ये नोस्ट्रल्स कहलाते हैं। तो स्मेल्स जो होती हैं वो एक केमिकल्स होती हैं और ये हमारी मॉइस्ट लाइनिंग, नोस्ट्रल्स की मॉइस्ट लाइनिंग यानी कि गीली लाइनिंग होती हैं इनमें, उनके अंदर ये डिजॉल्व हो जाती हैं। फिर वहाँ से जो नर्व्स होते हैं वो मैसेज लेकर ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन डिटेक्ट करता है कि जो हम स्मेल कर रहे हैं कोई भी चीज़ वो क्या है। हमारी नोज़ और किस काम के लिए यूज़ होती है? ब्रीथ करने के लिए भी, ठीक है। अब जैसे इस पिक्चर में ये बच्चा क्या कर रहा है? फ्लावर को स्मेल कर रहा है। तो फ्लावर के अंदर जो इसकी फ्लावर की स्मेल है वो इसकी मॉइस्ट लाइनिंग में डिजॉल्व हो रही है और इसके नर्व्स मैसेज लेकर ब्रेन तक जा रहे हैं। ब्रेन इसको बता रहा है कि यू आर स्मेलिंग अ प्लेजेंट स्मेल लाइक अ फ्लावर। ओके, नाउ द थर्ड सेंस ऑर्गन इज द एयर। एयर क्या होता है हमारा? सबसे बाहर हमारा आउटर ईयर होता है। वो आउटर ईयर क्या करता है? वो जो हमारी साउंड सुन रहा होता है उसको डायरेक्ट करता है कहाँ पर? टू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड दी एयर ड्रम। यहाँ से जो साउंड आ रही होती है वो अंदर जा रही होती है मिडिल ईयर के बाद। ये है हमारी, ये एयर ड्रम है जिसको कान का पर्दा भी कहते हैं। उसके बाद साउंड वाइब्रेशंस पास हो जाती हैं इनर ईयर में। वहाँ पे जो नर्व्स होते हैं वो मैसेज लेकर कहाँ चले जाते हैं? ब्रेन में। और ब्रेन फिर इनको बताता है कि जो आवाज़ ये सुन रहे हैं वो किसकी आवाज़ है। ओके, नाउ वी मूव टू द फोर्थ सेंस ऑर्गन, दैट इज़ द टंग। टंग में आपको क्या है? आपको पता है कि टंग के ऊपर हमारे छोटे छोटे से टेस्ट बर्ड्स होते हैं। वो टेस्ट बर्ड्स सेंसिटिव होते हैं केमिकल्स में जो कि फूड में पाए जाते हैं। ये टेस्ट बर्ड जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो ये टेस्ट बर्ड सिग्नल भिजवाते हैं ब्रेन को और ब्रेन बताता है कि हम क्या खा रहे हैं। जो हम चीज़ खा रहे हैं आया वो स्वीट है, सार है, सॉल्टी है, बिटर है या उमामी है। उमामी क्या चीज़ है बेटा? द सेवरी टेस्ट ऑफ फूड डिस्क्राइब्ड एज मीटी। यानी कि जब हम गोश्त खा रहे हैं, मीट खाते हैं, तो उसका टेस्ट भी हमें हमारी टंग बता रही होती है। नाउ वी मूव टू पेज नंबर 7। द स्किन इज द लास्ट सेंस ऑर्गन। स्किन क्या करता है? स्किन बताता है किसी भी चीज़ के बारे में जो हम टच कर रहे हैं, आया वो हॉट है, कोल्ड है, उससे हमें पेन हो रहा है या हम पे कुछ प्रेशर पड़ रहा है। स्किन में क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर सेल्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स अगेन इंफॉर्मेशन किसको सेंड करते हैं? ब्रेन को। और ब्रेन फिर बताता है कि हम जो चीज़ टच कर रहे हैं वो क्या है। ये स्किन की बेटा आपको सेक्शन डायग्राम दी हुई है। ये हमारे स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं, उसके बाद जो स्किन की लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड द एपिडर्मिस। जो टॉप लेयर होती है जो हमें नज़र आती है हमारे हाथ पैरों के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड द डर्मिस। और डर्मिस के नीचे लेयर होती है दैट इज़ फैट लेयर, ठीक है। ये हमारा फैट यहाँ पर जमा होता है। तो अल्लाह ताला ने कैसा सिस्टम ज़बरदस्त रखा हुआ है, हमारे सारे काम हो रहे हैं और हमें कुछ एहसास भी नहीं हो रहा।
Now here is an amazing information given on page number 7. Do you know? Every minute of the day your skin loses about 40,000 dead cells. बेटा जो हमारा एक दिन है उसका हर मिनट है उस पर हमारी स्किन में कितने डेड सेल्स हो जाते हैं 40,000 और वो स्किन से निकल जाते हैं और उनकी जगह पर न्यू सेल्स भी आ जाते हैं। तो एक साल में हमारी स्किन कितने सेल लूज कर जाती है 4 kg ऑफ सेल्स जो हमें पता भी नहीं चलता है। नाउ बेटा योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। यू हैव टू गो थ्रू टू दिस चैप्टर एंड रीड इट प्रॉपरली। ऑल राइट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।